उत्कल शिक्षा परिषद मार्गदर्शन बाणीपीठ द्वारा परिचालित विवेकानंद शिक्षा केन्द्रर पुरातन विद्यार्थी परिषद तरफ आगामी 2024 रौप्य जयंती पालन होबाकु जाउछि। सेथिपाई पुरातन छात्र छात्री तथा गुरुजी गुरुमा को नहीं एक बंधु मिलन और कर्मकर्ता चयन कार्यक्रम मंगलवार विवेकानंद विहार ठारे समारोह अनुष्ठित होता। पूर्वाह्नरे दीप्ति स्मिता प्रियदर्शनी शुभलिप्सा महापात्र और संध्याराणी साहू को द्वारा बाणी मंदिर रे पूजार्चना अनुष्ठित होइथिला। परे परे एक साधारण सभा मां निशामणि राउत को सभापतित्व रे अनुष्ठित होइथिला। स्वामी विवेकानंद भारत माता उत्कल रत्न स्वर्गत पंडित लक्ष्मीधर राउत को फोटोचित्र रे माल्यार्पण और धूपदीप अर्पण परे सभा कार्य आरंभ होइथिला। प्रथमे अनुष्ठान संपादिका तथा प्रधान आचार्य सूर्यकांति पुहाण प्रारंभिक सूचना प्रदान करिथिले। गुरुजी कार्तिक सेठी रंजित महांती दीपक दास अतुल्य सुंदर भंज बाबू गुरुमा जाह्नवी दंडपाठ रानी षडंगी सूर्यस्मिता नायक बीणापाणी बारिक बासंती लता हेम्रम आदि रौप्य जयंतीर रूपरेख संपर्क विस्तृत बरणी प्रदान करने सहित रौप्य जयंती वर्ष पर एक वार्षिक कार्यक्रम खसड़ा प्रस्तुत करते। अनुष्ठान अध्यक्ष डॉक्टर कुमार बाबुली सूचना दे आलोचनार सारांशे कही रौप्य जयंती 2024 जनवरी 7 तारीख में महासमारोह उद्घाटित होबार वर्ष सारा यह उपलक्षे प्रतिमास विभिन्न कार्यक्रम चालू रहिब और 2025 जनवरी मासरे एही कार्यक्रम उद्यापित होब। पुरातन विद्यार्थी परिषद तरफ रौप्य जयंती कर्मकर्ता चयन होता। सभापति भाव डॉक्टर अभिजीत बारिक उपसभापति भाव दीप्ति स्मिता प्रियदर्शनी सूर्येन्दु सेनापति और आदित्य सिंह संगठन उपसभापति प्रियंका प्रियदर्शनी परिड़ा बड़ेश्वर महांति और मनोरंजन बेहरा संपादक भाव राकेश कुमार सेनापति परिचालना संपादक भाव सुब्रज्योति शुभंकर राउत ओ सुमन कुमार बेहरा कोषाध्यक्ष सबिता महांति सहसंपादक भाव संतोषी राउत सत्यप्रकाश महंत और गायत्री राउत कार्यकारी सहसंपादक भाव अविनाश महंत पल्लवी भोई अभिजीत दास सांस्कृतिक संपादक भाव तेजस्विनी बारिक गणेश चंद्र सोरेन और देवाशिष गिरी पत्रिका संपादक भाव शुभस्मिता कालिया तथा मीडिया संपादक भाव विश्वरंजन जेना और वर्षा प्रियदर्शनी प्रधान निर्वाचित होते। अनुष्ठान सहसंपादक संबित कुमार राउत धन्यवाद अर्पण करते। सर्वशेष पिलामानों द्वारा सांस्कृतिक विचित्रा अनुष्ठित होता। मयूरभंज बड़साईरु सूर्यकांति राउत को रिपोर्ट ओएनए खबर।